हेलो एवरीवन, एज यू नो वी आर डूइंग स्पेशल फंड की स्पेशल फंड की ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में कैसे करनी है, किस तरीके से उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस को माइनस करना है, और अगर अलग अलग केसेस आ जाते हैं तब उस केस में स्पेशल फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस को कैसे ट्रीट किया जाएगा, आज यही सब हम करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन 6। शो हाउ यू वुड डील with the following items while preparing the income and expenditure account for the year ending on 31st March 2019 and a balance sheet as at that date in each of the following alternative cases. अलग अलग केसेस दिए हैं और इन अलग अलग केसेस में किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे फाइनेंशियल अकाउंट में, वही हमें बताना है इसमें। फर्स्ट केस में दिया हुआ है प्राइस अवॉर्डेड 5,000 rupees। 5,000 rupees के प्राइजेस दिए गए, प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए गए। क्या इसके लिए कोई स्पेशल फंड था? यहाँ पर तो कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। केस वन में तो बस यही कहा है कि प्राइज अवॉर्ड किए गए हैं, दिए गए हैं। तो जब कोई स्पेशल फंड नहीं था तो इसे एक नॉर्मल एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा, और जैसे एक नॉर्मल एक्सपेंस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किया जाता है, इसे भी वहीं शो किया जाएगा। सो फॉर केस वन वी विल प्रिपेयर ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्योंकि एक्सपेंस है तो इसे किस साइड दिखाया जाएगा? एक्सपेंस साइड विद द नेम टू प्राइस awarded and it amounted to 5,000 rupees। ठीक है, ये था केस वन। एंड नाउ वी विल डू द केस सेकेंड। प्राइस अवॉर्डेड रुपीज़ 5,000 एंड प्राइस फंड एज ऑन 31st March 2018 इज 40,000 rupees। डोनेशन फॉर प्राइजेस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 7,200। जब किसी एक्सपेंस से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर फंड अवेलेबल हो, उस केस में पहले उस फंड से पैसा यूज़ किया जाता है और उसके बाद इनकम और एक्सपेंडिचर से चार्ज किया जाता है। अगर फंड का पैसा कम रह जाता है तो केस टू में करेंगे बैलेंस शीट प्रिपेयर। तो क्या गिवन है इन्फॉर्मेशन? सी यहाँ पर गिवन है कि प्राइस फंड कितने का था? 40,000 का। लाइबिलिटी साइड दिखाते हैं, फिर क्या रिसीवर डोनेशन, तो ऐड कर देंगे जितना डोनेशन रिसीव हुआ, 7,200 का डोनेशन रिसीव हुआ। सो फाइनली अमाउंट हुई 47,200। अब इसमें से क्या लेस करेंगे? जितने के प्राइजेज अवॉर्ड किए हैं, एंड वी हैव अवॉर्डेड द प्राइजेज ऑफ 5,000 rupees। द बैलेंस इज 42,200 rupees। इन केस थ्री प्राइजेज अवॉर्डेड 5,000, प्राइजेज फंड 40,000, अवॉर्ड भी है, फंड भी है, डोनेशन जो रिसीव हुआ है 7,200। 9% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31st March 2018। 9% की रेट से जो ये फंड है उसको इन्वेस्ट कर दिया, यानी जितना भी इन्वेस्ट किया उस पर क्या मिलेगा? 9% इंटरेस्ट मिलेगा। 40,000 rupees का किया। इंटरेस्ट रिसीव ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट इज 2,700। अब यहाँ ये देखो कि इन्वेस्टमेंट कब किया, 31 मार्च 2018 को, और हम कौन सी ईयर का बना रहे हैं? 31 मार्च 2019 को। तो एक साल का गैप हो गया, तो डेफिनेटली वन ईयर में कंप्लीट वन ईयर का इंटरेस्ट रिसीव होना चाहिए। कितने अमाउंट पे? 40,000 पे। 40,000 का 9% कितना हो जाएगा? 3,600। बट रिसीव कितना हुआ है? 2,700। इट मीन्स कितना ऐसा इंटरेस्ट है जो अर्न तो कर चुके हैं बट रिसीव नहीं हुआ है? द डिफरेंस बिटवीन 3,600 एंड 40,000 था, 47,000 पे कितने परसेंट इंटरेस्ट? 9% इन्वेस्टमेंट की थी,
तो 3600 हुआ, जिसमें से 2700 रिसीव हो गया, 900 जो रह गया इसे बोलते हैं accrued इंटरेस्ट एंड दिस इज एन एसेट. जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट होते हैं, वैसे ही accrued इंटरेस्ट भी एसेट होता है. सो लेट्स स्टार्ट केस 3. बैलेंस शीट में प्राइज फंड दिखाएंगे जो था 40,000 और इतने ही प्राइजेस को क्या कर दिया था, इन्वेस्ट. तो 9% की रेट से था, 9% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 40,000. उसके बाद ऐड करेंगे जो डोनेशन रिसीव हुआ है फॉर प्राइजेस फंड एंड दैट अमाउंटेड टू 7200. तो टोटल हो गया 47,200. और क्या मिला, इंटरेस्ट, ऐड इंटरेस्ट. जब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं, सिर्फ वो इंटरेस्ट नहीं लिखा जाएगा जो हमें कैश में एक्चुअली रिसीव हुआ, जो हमें रिसीव होना चाहिए वो लिखा जाएगा, दैट इज 3600. क्योंकि हमारा अकाउंटिंग सिस्टम कैश बेसिस नहीं चलता, एक्रियल बेसिस चलता है, इसलिए मैटर नहीं करता कि कैश में रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, मैटर ये करता है कि इंटरेस्ट इस ईयर का बनता कितना है. हाँ, बट बिकॉज 2700 का रिसीव हुआ है, 900 का पेंडिंग है जो आप अर्न कर चुके हो बट पेंडिंग है, दैट इज़ कंसिडर्ड एज एन एसेट. दैट इज़ वाई एक्रूड इंटरेस्ट को एज एन एसेट एसेट साइड शो किया जाएगा. अब इस अमाउंट में से लेस कर दिया जाएगा जो प्राइस अवॉर्ड किए गए, एंड प्राइस इज अवॉर्डेड अमाउंटेड टू 5,000. तो कितना अमाउंट आ जाएगा, 45,800 रुपीज़. Illustration 7a. How will you deal with the following items while preparing for the Bombay Women Cricket Club, its income and expenditure account for the following year, for the year ending 31st March 2020 and the balance sheet as at 31st March 2020. Question में पूछा गया है कि आप अगर income और expenditure account और balance sheet बनानी हो और ये सब आपको information given हो, then how will you record it? फर्स्ट पॉइंट इज डोनेशन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ परमानेंट पैवेलियन. पैवेलियन इज समथिंग लाइक बिल्डिंग. तो परमानेंट बिल्डिंग बनवाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए इतने का डोनेशन रिसीव हुआ, तो एक स्पेसिफिक डोनेशन है, दैट विल बी शोन सेपरेटली इन लायबिलिटी साइड. एक्सपेंडिचर इनकर्ड अप टू 31st March 2020 ऑन इट्स कंस्ट्रक्शन 10,80,000. अब ये बात ध्यान रखनी है कि जब पेविलियन पर खर्चा किया जा रहा है तो अल्टीमेटली जो पेविलियन बनकर आ रही है ना, वो एक एसेट ही बनकर आ रही है. आपके पास एक बिल्डिंग बन रही है तो वो आपके लिए क्या होगी, एक एसेट ना. वी नो कि एसेट्स जो है कैपिटल की वैल्यू को क्या करती है, इंक्रीज. पर इसके अलावा अगर हम टूर्नामेंट की बात करें, क्रिकेट की बात करें, तो वहाँ पर तो जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, वो फंड ऑर्गेनाइज करने में, प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करने में. बट यहाँ ऐसा नहीं, अगर आप पेविलियन कंस्ट्रक्ट कर रहे हो ना, तो इट मीन्स आपकी एक एसेट बन रही है, एंड इंक्रीजिंग इन एसेट विल डेफिनेटली इंक्रीज द कैपिटल. तो इसको तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं किया जाएगा. कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, बैलेंस शीट में. वी विल राइट पेविलियन फंड दैट अमाउंटेड टू 12,25,000, राइट. और इसमें से कितना खर्च हो गया, 10,80,000. अब जो ये 10,80,000 हुए हैं ना, वो बेसिकली कैपिटल को इंक्रीज करेंगे, तो इसलिए इस पैसे को हम ये नहीं कहेंगे कि खर्च हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली ये इसका रूप बदल गया. जो हमारे पास मनी पड़ा था ना, अभी बिल्डिंग में कन्वर्ट हो गया, तो दैट्स वाई इसे एसेट कंसीडर किया जाएगा और 10,80,000 को कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा. सेकेंड इज टूर्नामेंट फंड. बैलेंस एज ऑन, यानी कि 1st April 2019 ओपनिंग बैलेंस गिवन है 50,000 रुपीज़ का, और सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2,10,000 रुपीज़. एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर ऑन दिस टूर्नामेंट 2,00,000. अब ये जो एक्सपेंस है ये ख़त्म हो गया है पैसे फॉर्म से. ऐसा नहीं है कि इनका रूप बदल के कोई और एसेट बन गई है. एक टूर्नामेंट किया जिसमें 2,00,000 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर, दिस इज सेकेंड फंड. ये पहला फंड था, अब जिसकी अमाउंट क्या थी, 1,45,000. अब सेकेंड जो फंड है वो है टूर्नामेंट फंड. पहले तो इसका ओपनिंग बैलेंस गिवन है, राइट. ओपनिंग बैलेंस इज 50,000 रुपीज़. इसमें ऐड करेंगे जो
सब्सक्रिप्शन रिसीव हुए, और ये किसके लिए रिसीव हुए, स्पेशली फॉर टूर्नामेंट फंड 2 लाख रुपीज़। कितना हो गया, 2,50,000। अब इसमें लेस करेंगे एक्सपेंसेस ऑन ऑर्गेनाइजिंग टूर्नामेंट फंड, दैट इज 2,10,000। नेक्स्ट इज लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव। जो लाइफ मेंबरशिप फी होती है ये कैपिटल नेचर की होती है और इसे डायरेक्टली कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है। अब यानी एक फंड बनाना रह गया, वो है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस तो नहीं है, तो सीधा हम इसमें लिख देंगे कि जो ट्रांसफ़र हुआ है, ट्रांसफ़र फ्रॉम टूर्नामेंट फंड, नो पेविलियन फंड। पेविलियन फंड से एसेट बनेगी ना, इसलिए जो पेविलियन फंड से 10,80,000 का खर्चा हुआ है वो आएगा। और साथ ही ऐड क्या होगी, लाइफ मेंबरशिप फी, जो कितनी अमाउंट की है, 28,000। दिस इज़ योर कैपिटल फंड। और यहाँ पर क्योंकि एक एसेट बन गई है पेविलियन की, एंड दैट अमाउंटेड टू 10,80,000। ठीक है, यहाँ पे यू जो पेविलियन है इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो इन प्रोग्रेस। सो दिस इज़ हाउ यू विल रिकॉर्ड दीज एंट्रीज। जो अभी इलस्ट्रेशन किया उससे हमने सीखा कि अगर कोई एसेट के लिए फंड होता है ना, तो वो पैसा कैपिटल फंड में जाता है, क्योंकि एक तरह की कैपिटल फॉर्म हो जाती है ना। 7B भी कुछ इसी तरीके का है। प्रेजेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन और आइटम्स इन बैलेंस शीट ऑफ क्वींस क्लब एज एट 31 मार्च 2019। कैपिटल फंड 1 अप्रैल 2018। 31 मार्च 2019 है तो 1 अप्रैल 2018 मीन्स ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्डिंग फंड है, एंड डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग है विच वी विल ऐड इन टू बिल्डिंग फंड, 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 2018। यानी कि एक साल हो चुका है तो एक साल का इंटरेस्ट 10% बनता है। इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 4,80,000 की, 10% इंटरेस्ट देखे तो 48,000 मिलना चाहिए, बढ़ता है, ओके, एंड 48,000 इंटरेस्ट रिसीव हो गया, कंप्लीट इंटरेस्ट रिसीव हो गया। इट मीन्स ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है जो पेंडिंग है। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इज 3,60,000। अगर आपने बिल्डिंग पे इतना एक्सपेंडिचर कर दिया, इट मीन्स इतने रुपए की बिल्डिंग आपकी रेडी है। द कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ इन प्रोग्रेस एंड हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड। तो इसे बिल्डिंग को एसेट में तो दिखाएंगे, बट डेफिनेटली अगेन इन ब्रैकेट में क्या शो कर देंगे, इन प्रोग्रेस। और देखो इसे कैसे शो करोगे आप, कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस था 10,80,000, जो बिल्डिंग पे एक्सपेंडिचर हो चुका है वो पैसा बिल्डिंग से कम हो जाएगा, जो बिल्डिंग फंड है उससे कम हो जाएगा और कैपिटल में जुड़ जाएगा, क्योंकि इतने की एसेट अब तैयार है, और जब इतने की एसेट बढ़ गई है तो कैपिटल भी बढ़ जाएगी, एसेट के बढ़ने से कैपिटल बढ़ती है। और बिल्डिंग फंड सेकेंड फंड है जिसका ओपनिंग बैलेंस है, डोनेशन जो रिसीव हुआ, इंटरेस्ट जो मिला, इन सबसे फंड बढ़ जाएगा, बट जो एक्सपेंडिचर हुए 3,60,000 के, इससे वो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जितना अमाउंट है वो दिखा दी जाएंगे। ठीक है, तो अब तक जो हमने किया उससे ये पता चला कि दो तरह के रिसिप्ट या दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, दैट इज़ कैपिटल नेचर एंड रेवेन्यू नेचर। जब भी आप इनकम एंड एक्सपेंड जो NPO की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन करोगे ना, वहाँ आपको 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो क्वेश्चन में गिवन होगा, देन आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी, फिर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होगा, और फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी होगी। ये कैसे बनाने हैं, क्यों बनाना है, वो बाद में करेंगे। आज जो मेन कंसर्न है, हमारा मेन टॉपिक है, वो ये है कि कैपिटल रिसिप्ट किसे कहा जाता है और रिवेन्यू रिसिप्ट किसे कहा जाता है, तो आप इसी पर फोकस रखें। ठीक है, एंड इन टुडेज़ क्लास वी विल ओनली फोकस ऑन कैपिटल रिसिप्ट। ऐसे रिसिप्ट जो बार बार नहीं होती, जो रेगुलर इनकम का सोर्स नहीं होती, इन्हें कैपिटल रिसिप्ट कहा जाता है। हमने कई तरीके के सोर्सेज पढ़े जिससे एक NPO को इनकम होती है, लाइक सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फी, डोनेशन, लेगेसी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे NPO को इनकम होती है। बट कुछ सोर्सेज ऐसे हैं जो रेगुलर इनकम का है, जैसे कि सब्सक्रिप्शन, जो मेंबर सब्सक्रिप्शन देते हैं, और हमने एंट्रेंस फी भी यही पढ़ा था कि जो एंट्रेंस फी है उसे रेगुलर नेचर का कंसिडर किया जाएगा। पर जो ये लाइफ मेंबरशिप फी होती है ना, यानी कि ऐसा अमाउंट पे कर देना जिसे एक ही बार पे कर रहे हो, बट उस अमाउंट को पे करने से आपको लाइफ टाइम की मेंबरशिप मिल रही है, या जो NPO है वो लाइफ टाइम की मेंबरशिप दे रहा है,
अब जो यहाँ से जो पैसा मिला ना उस पर्सन से, अब ये पैसा दोबारा उस पर्सन से नहीं मिलेगा। दैट इज़ वाई लाइफ मेंबरशिप फी को कैपिटल रिसिप्ट कंसिडर किया जाता है, एंड कैपिटल रिसिप्ट्स को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं किया जाता है। कैपिटल रिसिप्ट्स ओनली बैलेंस शीट में आती है, ठीक है। यही रीज़न है कि हम कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट के बारे में डिफरेंस पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें दो अकाउंट बनाने हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल रिसिप्ट तो बैलेंस शीट का पार्ट होती है, जबकि रिवेन्यू रिसिप्ट्स इनकम का पार्ट होती है। एंडोमेंट फंड रिसिप्ट यानी जो गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं, गिफ्ट्स के थ्रू जो इनकम होती है, वो सब भी कैपिटल नेचर की कंसिडर की जाती है। गिफ्ट्स रेगुलर नेचर की इनकम का सोर्स थोड़ी है। कोई स्पेशल पर्पज़ के लिए डोनेशन मिल जाना, अगर नॉर्मल डोनेशन मिल रहा है तो वो तो मिलता रहता है, एक NPO को नॉर्मल डोनेशन मिलता रहता है। बट अगर कोई स्पेसिफिक डोनेशन मिल रहा है, लाइक फॉर बिल्डिंग, फॉर क्लब, फॉर कंस्ट्रक्शन, तो ये सब जो डोनेशन है ये कैपिटल रिसिप्ट होते हैं, और इसे लाइबिलिटी साइड एक अलग से फंड में दिखाया जाता है। दैट इज़ वॉट वी कॉल स्पेसिफिक फंड। एंड लेगेसीज, जब कोई अपनी पूरी विल NPO के नाम लिख जाता है, तो लेगेसी भी रेगुलर इनकम ऑफ सोर्स नहीं होती उस पर्सन से। अब दोबारा कुछ नहीं मिलना मतलब उसकी विल वाला कुछ नहीं मिलना, सो दैट इज़ वाई इसे भी कैपिटल रिसिप्ट कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा जितने भी एक ऑर्गेनाइजेशन में फ़ंड बनाए जाते हैं, जैसे कि चैरिटी फंड, मैच फंड, प्राइज फंड, स्पोर्ट्स फंड, टूर्नामेंट फंड, पेंशन फंड, ये सभी फंड भी कैपिटल रिसिप्ट ही कंसिडर किए जाते हैं। So that's it for today. As a homework, you have to do 6th and 7th practical question, and you also have to revise capital receipt. Hope you understand today's lecture. In case of any problem, you can contact me. Thank you.